बात अब अखिलेश यादव की करेंगे कि समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव आज कन्नौज से पर्चा भरेंगे। अखिलेश यादव दोपहर तकरीबन 12 बजे कन्नौज पहुंचेंगे, कलेक्ट्रेट दफ्तर जाएंगे, तकरीबन 1 बजे वो पर्चा दाखिल करेंगे और आज ही बीजेपी के सुब्रत पाठक भी कन्नौज से नामांकन दाखिल करने वाले हैं। सुब्रत पाठक का नामांकन सुबह 11 बजे होना है, 12 बजे या फिर 1 बजे के बीच अखिलेश यादव का नामांकन होना है। कन्नौज से अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने पर मोहर लगते ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाए और जश्न मनाया। पार्टी कार्यालय पर एसपी कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों पर झूमते दिखाई दिए। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने कन्नौज से तेज प्रताप यादव को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन कहा यह जा रहा है कि 23 अप्रैल को समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की एक इकाई ने लखनऊ जाकर अखिलेश यादव से मुलाकात की और गुहार की कि वो खुद चुनाव लड़े। कन्नौज से स्थानीय कार्यकर्ताओं का कहना था कि कन्नौज में तेज प्रताप यादव की कोई पहचान ही नहीं है, अगर अखिलेश यादव लड़ेंगे तो जीत सकते हैं। काफी असमंजस के बाद आखिरकार कल शाम अखिलेश यादव ने कन्नौज से चुनावी मैदान में उतरने का मन बना ही लिया। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। कुमार, जिस तरीके से अब कन्नौज के चुनावी मैदान में अखिलेश यादव उतर गए हैं, कहीं एक तरफा लड़ाई तो नहीं हो जाएगी? नेहा, देखिए मैं यही बात सीधा सुब्रत पाठक जी से पूछ लेता हूं, जो न सिर्फ चुनाव में है बीजेपी की तरफ से बल्कि उन्होंने कल चैलेंज भी दिया है कि अब लड़ाई बराबर की होगी। स्वागत है आपका सुब्रत जी, आपने तो कल चैलेंज दे दिया कि भाई आए तो बराबरी की लड़ाई होगी और कल उन्होंने ऐलान भी कर दिया कि अब वो चुनाव मैदान में है, तो आपके लिए लग नहीं रहा कि अब अखिलेश यादव जैसा हैवीवेट अगर यहाँ आ गया तो आपके लिए तो मुश्किल हो? देखो, सबसे बड़ा विषय ये होता है कि चुनाव कोई हार जीत का विषय नहीं होता है, चुनाव हमारी विचारधारा पर बात का विषय होता है। तो कुल मिलाकर आज देश की राजनीति जिस तरीके की है, तो आप देखो कि केवल सत्ता की लालच में, राजनीति में भ्रष्टाचार, माफियावाद, गुंडा राज, ये सब समाजवादी पार्टी का प्रतीक रहा है। और उसके बाद अभी लेटेस्ट में आपने देखा कि किस प्रकार से अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी के घर जाते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जबकि रामलला का निमंत्रण मिलने के बाद भी रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का आज तक नहीं गए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पूज्य बाबू कल्याण सिंह जी का निधन हुआ था, उनके निधन के पश्चात दुनिया भर के बड़ी हस्तियां आई थी, देश भर के बड़े नेता थे, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी भी गई थी, इनको भी जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर नहीं गए। सवाल तो अब चुनाव का है, अब आप आ गए हैं और अखिलेश यादव जैसा अगर हैवीवेट आ गया तो आपको लग नहीं रहा कि अब आपके लिए मुश्किल होगी चुनाव, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अब तो एक तरफा हो जाएगा चुनाव? नहीं नहीं, देखो ये तो उनको समझ में तब आया होगा जब 2019 का जब चुनाव था, तो 19 का चुनाव में सपा बसपा का गठबंधन भी था, तो अखिलेश यादव जी की पत्नी लड़ रही थी, तो डिंपल अखिलेश जी और स्वयं मायावती जी यहाँ आई भी थी। उसके बाद क्या परिणाम आया आपको मालूम है, 2009 का चुनाव मैंने अखिलेश के खिलाफ लड़ा, 14 के खिलाफ अखिलेश डिंपल, दोनों के खिलाफ लड़ा चूंकि अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे। तो कुल मिलाकर यहाँ विषय नहीं है, विषय यह है आप देखिएगा 2004 जब 4 जून को परिणाम आएगा तो कन्नौज में फिर से एक बार इतिहास लिखा जाएगा। तो आपको लगता है कि आपने भी कल एक्सेप्ट किया है कि चुनाव जो है मुकाबले का होगा, बराबरी का होगा, तो बराबरी का होगा 100%। देखो अगर हम ये कहते हैं कि एक तरफा हम जीत जाएंगे तो ये तो एक कहीं ना कहीं बहुत जल्दबाजी होगी और ये मेरा बड़बोलापन होगा, लेकिन ये बात निश्चित है कि मैं जो जमीन को देखता हूँ और जमीन को समझता हूँ ना, तो आप बताइए 2022 में अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे, इससे बड़ा कुछ हो सकता था? अखिलेश जी जो भी अपनी उपलब्धि गिनाते हैं तो मुख्यमंत्री के नाम पर तो है, आप सांसद के नाम पर आपने क्या किया, सांसद के नाम पर आपकी उपलब्धि क्या है? कुछ भी नहीं, नथिंग। अगर नहीं है तो बताइए आजमगढ़ में क्या किया आपने, आप बताइए मैनपुरी में डिंपल जी 5 साल इन्होंने क्या किया, तो आपके सांसद के नाम पर कोई उपलब्धि नहीं। तो जब आप 22 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे तब कन्नौज की जनता ने आपको हरा दिया, सारे के सारे विधायक कन्नौज के भारतीय जनता पार्टी के जीते, यहाँ के ऊपर आपका कोई भी जनप्रतिनिधि न ब्लॉक प्रमुख यहाँ पर आपका है, न जिला पंचायत अध्यक्ष यहाँ के आपका है, और जो आपका था भी वो भी आज हमारे साथ में है, तो क्या आपका किस प्रकार का आचरण है? देखो आपको लोग यहाँ के लोग जानते हैं, तो हमने कहा ना आप उत्तर प्रदेश में जाकर देश भर में जाकर आप अपने काम बताओगे लेकिन यहाँ आपके कारनामे बताए जाएंगे। नीरज मिश्रा की हत्या का बदला हम लोग इस चुनाव में लेंगे, आप देखिएगा। लेकिन एक और सवाल ये जुड़ता है कि कहा यह जा रहा है कि
आपके 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी आपके साथ होगी, और अखिलेश यादव जो 5 साल से दूर हैं दोबारा से अपने उस पुराने ग्लोरी के साथ लौटेंगे, क्योंकि 99 से 2019 तक तो सपा का ही हारा। देखो, जनता जानती है कि उनको 30 साल से ज्यादा का समय दिया है। 30 साल थोड़े नहीं होते, बहुत होता है, एक पीढ़ी से भी ज्यादा का समय हो गया। अखिलेश जी भी यहाँ पर सांसद रहे, उनकी पत्नी भी सांसद रहे, उनके पिता भी सांसद रहे, उससे पहले भी उनकी पार्टी के तमाम सांसद रहे। तो मैं तो जब से जन्म मोल लिया, जब से होश संभाला, यहाँ पर समाजवादी पार्टी का ही सांसद मैंने देखा है। तो कुल मिलाकर जब आपको 30 साल मिले हैं, अभी हमको कितना हुआ है, एक कार्यकाल हुआ है, एक कार्यकाल में 2 साल से अधिक का समय कोरोना में गया है। एक और सवाल आपसे है कि ये बताइए कि फिर अखिलेश यादव ने फैसला क्यों लिया? उन्होंने पहले तो अपने भतीजे को तेज प्रताप यादव को उतारा, अब उनका उन्होंने फैसला बदला, कहा जा रहा बहुत कंफ्यूजन है, लेकिन उन्होंने फैसला क्यों बदला? उनको लग रहा हो कि आपको हरा पाएंगे? देखो, उनको बड़ा घमंड था कि हम कन्नौज में किसी को भी भेज देंगे, हमारे परिवार से कोई भी चला आएगा तो हार जाएगा, जबकि हमने उनको पहले ही चेतावनी दिया था। हमने कहा था अखिलेश जी आप आइए, स्वयं आइए, कोई किसी को भी आप भेज दोगे तो यहाँ पर वो जमानत भी नहीं बचा पाएगा। और मैं दावे से कह रहा हूँ अगर यहाँ से चुनाव लड़ते अगर उनके भाई या भतीजे जो भी हैं तेज प्रताप जी, तो आप ये मान के चलिए 80-90% समाजवादी पार्टी मेरे साथ खड़ी होती। 90% बूथों पर इनका बस्ता नहीं लगता, कितने ही लोग इनके लगातार हमारे संपर्क में हैं, आज भी हैं। तो कुल मिलाकर हमने कहा ना कि समाजवादी पार्टी खुद जानती थी अगर कन्नौज में अपने अस्तित्व को भी बचाना है तो अखिलेश को आना ही पड़ेगा, और देखो आए तो बस अस्तित्व बचा पाएंगे। अब देखो, ये तो लड़ाई होगी तो जनता तय करेगी, लेकिन हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से इनके जो कारनामे रहे हैं, बहुत से मुद्दे आप घूमोगे आपको समझ में आएगा। लेकिन सुब्रत जी, चुनाव तो बड़ा मुद्दा विहीन दिख रहा है। कहने का मतलब है कि जो एक लहर जैसी थी, जो एक अंडरकरंट जैसा था, वो साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। लोग मुद्दों की बात कर रहे हैं, लोग प्रत्याशियों की बात कर रहे हैं, और प्रत्याशियों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहे हैं। आपको लग नहीं रहा है कि ये चुनाव 2014 नहीं है, 2019 नहीं है, 2024? अब से आप बहुत देर से कन्नौज पहुंचे हैं, रात देर रात में आए हैं, आपकी आंखें बता रही हैं। तो मैं निश्चित रूप से आज आप जब कन्नौज घूमेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। आप देखिएगा, मुद्दा है इस चुनाव में, मुद्दा आपको दिखता नहीं है। मुद्दा क्या है? मुद्दा मोदी है। मेरे लोगों के लिए मोदी जिताओ, विरोधियों के लिए मोदी हराओ। तो कुल मिलाकर जनता तय करके बैठी हुई है। पहली बार देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री आया जिसने हर घर तक सरकार को पहुंचाया। आज किसी भी घर में जाओगे, कहीं भी जाओगे, उस घर जीत रहे हैं। आपका दावा है? देखो, निश्चित रूप से आप देखिएगा 4 तारीख को एक इतिहास लिखा है। कन्नौज ने डिम्पल को हराया, कन्नौज अखिलेश को भी हरा देगा। बहुत शुक्रिया। तो नेहा, दावा है कि जीतेंगे, हालांकि ये मान रहे हैं कि इस बार का ये चुनाव आमने सामने का और टक्कर का है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका कुमार अभिषेक। मुद्दों का मैदान, बहुत का जिम्मेदारी लेंगे, तर्कों पर घमासान, क्या बताना चाहते हैं देश को, किससे किसकी ठनी, न्याय किसने दी, किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश, खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल, देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। समय समय पर आपको सुनाई देते शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, नाव सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है, सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत, संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा, संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए जनता के द्वारा जनता की दस्तक, श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।